तेलंगाना यूनियन कॉलेज स्टाफ एसोसिएशन के रिव्यू कमेटी के लिए आज मीटिंग यहाँ बनाया जा रहा है। ये मीटिंग करने के लिए अपने सर मुजीब हुसैन साहब ने बड़ी अकोमोडेशन दिए हुई है, उनकी हेल्प के लिए मैं पूरे उनको थैंक्स बोलना चाह रहे हैं। और उसी के साथ ये एसोसिएशन ने तेलंगाना भवन में मिनिमम 10-11 ईयर्स बैक ये एस्टाब्लिश हुआ था। अपने चीफ मिनिस्टर साहब श्री KTR साहब ने इसको ऐलान करे, उसी दिन अपने वेबसाइट भी लॉन्च हुआ था। हमारे यूनिट वाले स्टाफ के लिए बहुत सारे से मेरे प्रॉब्लम्स हैं, वो प्रॉब्लम्स के लिए हम श्री KTR साहब को और वर्किंग प्रेसिडेंट श्री KTR साहब को और हमारी MLC और तेलंगाना जागृति के प्रेसिडेंट श्री मती खत्ता मैडम को हम गुजारिश करते हैं, हमारे प्रॉब्लम्स के लिए कोई कोशिश करेंगे, उनका मदद चाहिए हमारे को। ये बोलते हैं उनके साथ हम उनके वालिद उनके बेटे के सका है, इसीलिए उनसे हम गुजारिश करते हैं हमारे प्रॉब्लम सारे उन्हें सॉल्व करने के लिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। इसी के साथ बहुत सारे बाकी के स्टेट्स में कोई स्टेट्स में मेडिकल प्रोसेस चल रहा है पेडेंट कॉलेज के पूरे के साथ एक गवर्नमेंट कॉलेज में हमारे एडेड स्टाफ को मैचिंग करने के लिए हम KTR साहब को गुजारिश करते हैं, उनके मदद चाहिए, उनके ब्लेसिंग्स चाहिए, उनके ब्लेसिंग्स के साथ हमारे जीवन में थोड़ा चेंज आने की संभावना है। इसीलिए पूरे मंत्री को और अपने एजुकेशन मिनिस्टर श्री सरिता इंदिरा रेड्डी मैडम को भी हमारी तरफ से एडेड कॉलेज की तरफ से गुजारिश करते हैं, हमारे प्रॉब्लम्स को देखिए, हम आपसे मिलना चाह रहे हैं, हमारे प्रॉब्लम्स आपको बोलना चाह रहे हैं और प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आप थोड़ा मेहनत करें, हमें जीवन को बदलना चाह रहे हैं। इसी के साथ से पूरे तेलंगाना स्टेट के पूरे मंत्रियों को भी हमारे एडिट कॉलेज की तरफ से प्लीज़ हमारे प्रॉब्लम सॉल्व करिए, हमारे अच्छी जीवन जीने के लिए आप थोड़ा आपको हमारे को मदद दिए। हम इसी के साथ ये तेलंगाना एडिट कॉलेज स्टाफ जब से आपने तेलंगाना भवन में इसका इंस्टॉल हुआ जेबी के साथ हमारे तेलंगाना मूवमेंट में भी पूरे हम पार्टिसिपेट हैं। कभी भी KTR साहब कोई भी बात नहीं अपने को उसी के बाद से चले, उनके बात को हम मानते हुए कभी हर एक का तेलंगाना एजुकेशन में और तेलंगाना गवर्नमेंट आने के बाद कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया हमें उसे पूरा करिए, हम पूरा हम करे थे। इसलिए आपको हर एक बार फाइनली गुजारिश करना चाहते हैं कि पूरे स्टाफ को गवर्नमेंट में भेज करके अच्छी सेवा हमसे दीजिए। आप हम बहुत मेहनत करने वाले हैं, आप बहुत कोशिश करने वाले हैं, अच्छे पढ़ाने फैकल्टी हमारे पास है। उसी के लिए श्री जनाब श्री KTR साहब को जनाब श्री KTR साहब को और मैडम श्री कविता मैडम को प्रॉब्लम क्या है तो हमारी बजट कंट्रोल की प्रॉब्लम है, हर एक मंत्री सैलरी हमारे को टाइम पे नहीं मिलता है, इसी के साथ टाइम पे नहीं मिलने से बहुत मुसीबत हम फेस कर रहे हैं। इसीलिए आपको एवरी मंथ एक डेट को और फर्स्ट को 010 बजट देके हमारे शादी के देने की कोशिश उसके लिए आप पूछ रहे हैं। और एक बार अब थोड़े कोई वर्कलोड टेबल को बोले के जाके रीडिफ्लाई करें भाई, वही भी हम लोग बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। इसीलिए मैचिंग करने से क्या होता है, पूरा फैकल्टी मैचिंग आने के बाद पूरा प्रॉब्लम्स हमारे तरफ से भी सॉल्व होता है और हमारे को गेस्ट रैंक नहीं है और इसी के साथ 165 ईयर्स जो गवर्नमेंट कॉलेज को दिया हुआ है हमारे को नहीं दिया गया, इसलिए एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट 300 ईयर्स एनकैशमेंट में एनकैश करने के लिए हमारे को ईयर्स कम होते हैं। इसीलिए नियरली एक एक इनकमेंट 5-6 लाख होते हैं, इसीलिए भी हम 165 ईयर्स KTR साहब के लिए सैंक्शन के लिए पूछ रहे हैं। उसी के साथ हमारे वुमेन एम्प्लॉयज को 5 CLs दैट इज स्पेशल CLs टू वुमेन एम्प्लॉयज नहीं है, उनके लिए भी हम गुजारिश करना चाह रहे हैं कि पूरे सारे प्रॉब्लम थोड़े प्रॉब्लम आपको बताए थे, हम आपको रिप्रेजेंटेशन देके साहब को मिलेंगे, साहब से हम विनती करते हैं हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।